हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। फूड मेनिया बाय शिखा में मैं शिखा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ परफेक्ट मिल्क शेक की रेसिपी। तो आइए देख लेते हैं कि इसे हम कैसे बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 1/2 लीटर दूध। दूध को हम डालेंगे पैन में गर्म होने के लिए। थोड़ा सा दूध हमने कप में रहने दिया है। उसमें डालेंगे हम कस्टर्ड पाउडर, 1 बड़ा चम्मच हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। और इसमें हम इस घोल को बनाकर रेडी कर लेंगे। जिस तरह से हम कस्टर्ड बनाते हैं बस उसी तरह से हमें इस घोल को बना लेना है। इसे हम दूध में डालेंगे और पतला सा हम कस्टर्ड बनाकर रेडी करेंगे। दूध अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे ये कस्टर्ड का घोल और गैस की मीडियम फ्लेम पर इसे हम 2 मिनट तक पकने देंगे। इसमें हम डाल देंगे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। गैस की मीडियम फ्लेम पर इसे हम लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक पकने देंगे। उसके बाद इसकी पतली सी ग्रेवी बनकर तैयार हो जाएगी। ये देख सकते हैं, इसे हमने फ्रिज में ठंडा कर लिया है। ये 4 घंटे तक फ्रिज में रखने के बाद इसे हम ले लेंगे एक मिक्सी की जार में। अब इसमें डालेंगे हम 1.5 कप दूध। दूध बिल्कुल ठंडा वाला हमने इस्तेमाल किया है। ये हमने डाला 1.5 कप दूध और साथ ही में हम डाल देंगे 5 चम्मच मलाई। इसकी जगह आप क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने अंजीर को 4 घंटे पहले भिगोकर उसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, उसको डाल देंगे। थोड़े से काजू डाल देंगे। जितनी पतली आपको मिल्क शेक पीनी हो उसके हिसाब से इसमें आप दूध ऐड करें। साथ ही में हम डाल देंगे 2 से 3 आइस क्यूब ताकि ये मिल्क शेक जब हम रेडी करें तो ये बिल्कुल ठंडा हो। इसे हमने पीस लिया है। ये देखिए, इसे हमने ग्लास में इस तरह से सर्व कर दिया। इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से काजू के कतरन। आप अपने पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर डाल सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इस मिल्क शेक की रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दे। थैंक यू।